हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल बबलू एडिटर अगर आपको इस टाइप का स्टेटस है तो आपको सबसे पहले एट मोशन ऐप को ओपन कर लेना है फिर आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है फिर आपको एक्सेल में, में क्लिक कर देना है फिर आपको सबसे नीचे आना है फिर आपको थोड़ा आगे जाना है फिर इससे आपको फिर आपको एक लाइन मिलेगा आपको उस पर क्लिक कर देना है फिर आपको कलर एंड फिल टैप करना है फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है ऐसे ही प्रिंट फिर आपको फोटो को सिलेक्ट कर लेना है फिर आपको फोटो को सिलेक्ट करके आपको प्लस पर क्लिक कर देना है ऐसे प्रिंट फिर से आपको थोड़ा ही जाना फिर से आपको अगले लेयर पर क्लिक कर देना है ऐसे ही फिर से आपको कलर एंड फिल्प टाइप करना है फिर आपको स्टार पर क्लिक कर देना है ऐसे प्रेट फिर से आपको नई इमेज को सिलेक्ट कर लेना है ऐसे प्र फिर से आपको वाले लेयर पर क्लिक कर देना है ऐसे ही फिर से आपको कलर एंड फिल्प टाइप करना है फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है ऐसे पेन फिर से आपको न्यू इमेज को सिलेक्ट कर लेना है ऐसे पिन से आपको थोड़ा आगे जाना है फिर से आपको अगले लेयर पर क्लिक कर देना है फिर से आपको कलर एंड फिल्प टाइप करना है फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है ऐसे पेन फिर, फिर से आपको एम को सिलेक्ट कर लेना है ऐसे दोस्तों फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है फिर से आपको कलर एंड फिल्प टाइप करना है फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है ऐसे दोस्तों फिर से आपको फोटो को एड कर लेना है ऐसे प्र फिर से आपको अगले लेयर पर क्लिक कर देना है फिर से आपको कलर एंड फिल टाइप करना है फिर आपको स्टार पर क्लिक कर देना है ऐसे पे फिर से आपको इमेज को सिलेक्ट कर लेना है ऐसे दोस्तों फिर से आपको अगले लेयर पर क्लिक कर देना है फिर से आपको कलर एंड फिल टाइप करना है फिर आपको स्टार पर क्लिक कर देना है ऐसे दोस्तों फिर से आपको नए इमेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है ऐसे प्रेम फिर से आपको थोड़ा के जाना है फिर से आपको अगले लेयर पर क्लिक कर देना है फिर से आपको कलर एंड फ्लिप टाइप करना है फिर आपको स्टार पर क्लिक कर देना है ऐसे दोस्तों फिर से आपको फोटो को ऐड कर लेना है ऐसे दोस्तों फिर से आपको अगले लेयर पर क्लिक कर देना है फिर से आपको कलर एंड फ्लिप टाइप करना है फिर आपको स्टार पर क्लिक कर देना है ऐसे प्रिंट फिर से आपको नई आपको नई इमेज को सिलेक्ट कर लेना है ऐसे प्रिंट फिर से आपको थोड़ा के जाना फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है फिर से आपको कलर एंड फ्लिप टाइप करना है फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है ऐसे फिर से आपको नई इमेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है ऐसे दोस्तों फिर से आपको, फिर से आपको अगले लेयर पे क्लिक कर देना है फिर से आपको कलर एंड फ्लिप टाइप करना है फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है ऐसे पहले फिर, फिर से आपको इमेज को सिलेक्ट कर लेना है ऐसे दोस्तों फिर से आपको थोड़ा आगे जाना है फिर से आपको कलर एंड फ्लिप टाइप करना है फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है फिर से आपको दोस्तों फोटो को ऐड कर लेना है ऐसे फिर थोड़ा ही फिर से आपको तोड़ा जाना है फिर से आपको अगले लेयर पर क्लिक कर देना है फिर से आपको कलर एंड फिल टैक्न है फिर आपको स्टार पर क्लिक कर देना है ऐसे फिर फिर से आपको नई इमेज को आपको एड कर लेना है ऐसे दोस्तों फिर से आपको अगले लेयर पर क्लिक कर देना है फिर से आपको कलर एंड फिल टैक्ना है फिर आपको स्टार पे क्लिक कर देना है ऐसे दोस्तों फिर से आपको इमेज को सिलेक्ट कर लेना है